से मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ आज विश्व रंगमंच के दिवस के ऊपर। और मैं इस स्थान पे आपको उस कालखंड में ले जाना चाहता हूँ जब राजा महाराजों के समय पे महिलाएं राजा महाराजों के मनोरंजन के लिए नृत्य किया करती थी, लेकिन समाज में उनका कोई मान सम्मान नहीं हुआ करता, बाहर कहीं वो नृत्य नहीं कर सकती थी। लेकिन उस कालखंड समय बदला क्या शुरू से उस कालखंड के अंदर महिलाएं ही नहीं पुरुषों को भी वो सम्मान का दर्जा नहीं दिया जाता था। बाहर कहीं नाटक करता तो उसको नाटकबाज और उस निगाह से देखा जाता, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और रंगमंच के अंदर पुराने जमाने में नाटकों में भी यहाँ तक कि महिलाओं का पात्र करने के लिए भी पुरुषों को महिला का पात्र करना पड़ता था, लेकिन उसके बाद समय बदला और धीरे 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 समाज में नृत्य कलाकारों का भी सम्मान किया जाने लगा, पुरुषों का ही नहीं महिलाओं का भी सम्मान किया जाने लगा। और बदलते परिवेश में और देश की आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ और महिला और पुरुषों को जब समान अधिकार मिलने लगा, उसके बाद कला की दुनिया में भी एक नया निखार आया और पुरुष ही नहीं बकायदा महिलाओं का भी सम्मान से देखा जाने लगा। और बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो आप आज हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित और ये जो नाम सुन रहे हैं आप, उनको सम्मान मिलने लगा और हजारों लाखों रुपये उनको रुपये मिलने लगे और कला का दर्जा ऊंचा हुआ और कलाकारों का सम्मान भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। ये वो स्थान है जहाँ पर देसी नहीं हिंदुस्तानी और विदेशी फिल्मों का भी यहाँ पर कहीं शूटिंग हुई है और आप देख सकते हैं ये नज़ारे, ये जग मंदिर है, वो सामने जल महल देखिए जहाँ पर जितेंद्र की शूटिंग फिल्म हुई थी जल महल की, वो शूटिंग मुझे भी देखने का सौभाग्य मिला जब मैं उन दिनों में स्कूल में पढ़ा करता था। मेरी बहुत हॉबी की इच्छा थी कि मैं भी आप जैसे कि आप जानते ही हैं। हाँ, तो ये वो स्थान है जहाँ पर देश विदेश की हजारों फिल्मों की शूटिंग हुई है, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रसिद्ध स्थान है। और कलाकार की जब बात करें तो कलाकार को बहुत कठिनाइयाँ सहन करने के बाद आज इस मुकाम पर कलाकार पहुँचा है कि आज उसको मान सम्मान मिल लगी बहुत ठीक है। आज जो कलाकारों को मान सम्मान मिल रहा है, इसके लिए जो उन पुराने कलाकारों को नमन है, उन लोगों के तपस्या और त्याग का परिणाम है कि आज कला को एक ऊँचा सम्मान दिया जा रहा है, ऊंची रकम दी जा रही है, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, उनको देश विदेश में उनको प्रसिद्धि मिल रही है। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कई फिल्मों की जो शूटिंग हुई है, बरसों पहले जब मैं भी पढ़ता था 11वीं में, तो यहाँ पर जल महल की शूटिंग हुई जितेंद्र की इसी सिटी प्लेस के अंदर, और मैं क्लास बंक करके वो शूटिंग देखने जब पहुँचा, अब मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं जितेंद्र से मिलूँ, और लेकिन मिलूँ कैसे, चारों तरफ पुलिस का पहरा। और मैंने छोटा सा प्रयास किया, एक कांस्टेबल के पास पहुंचा, मैंने विनती की कृपया मुझे एक बार भैया अंदर पहुंचा देते, तो मेरी मुझे दया करके उसने मुझे मौका दिया और उसे महल के ऊपर जाने का सौभाग्य मिला। और जाते ही मैं जितेंद्र जी के चरण छुए और मैंने कहा मैं आपका फैन हूं, और उन्होंने मुझे गले लगाया और उसी दिन एक कलाकार का जन्म हुआ। मैंने उसी दिन प्रण किया कि प्रभु मुझे भी एक बार कलाकार बनने का मौका मिले, लेकिन दुनिया के थप्पड़ों में 99 के चक्कर में सब भूल गया, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, ये हो गया, लेकिन मैंने अपने कलाकार को मरने नहीं दिया। और जब 40 साल की जब मेरी उम्र हुई और मैं फिर मेरा कलाकार मौका मिला और मैं यहाँ पर आकर बच्चों के साथ नाटक करने लगा, थिएटर करने लगा, और उदयपुर की जगत में जो भद्रजी मेहता जो फिल्मों की शूटिंग कराते हैं उनके पास पहुँचा और मैंने कहा मैं हीरो बनना चाहता था, पहले मौका नहीं मिला, कृपया मुझे अभी मौका दें। तो पहली बार मुझे जय आवरी माता के अंदर शिरीष कुमार जी के साथ मौका मिला, उसके बाद भगवान जय आवरी माता के अंदर मुझे पहला मौका मिला। हाँ, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ईश्वरी दया से मुझे धमाल में संजय के साथ फाइट करने का मौका मिला, उसके बाद मुझे अमिताभ बच्चन के साथ मौका मिला उदयपुर में रहकर, उसके बाद मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है और महाराणा प्रताप, क्योंकि 10-15 फिल्मों में काम मिला। और उसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मैं सीखा हूँ और जो मैंने प्राप्त किया है, मैं मेरे देशवासियों के लिए उनको मौका दूं उदयपुर में रहकर, उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। और एक फिल्म एक्टिंग स्कूल के लिए मुझे सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई है, मैं बहुत शीघ्र मेरे शहर और देशवासियों के लिए उदयपुर में रहकर उनको मौका देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। और आप सब पढ़ा रहे हैं और आप किसी भी उम्र के हो, आपको एक सेवा का चांस दे रहा हूँ। और हम लोग सब कलाकार हैं, मैं यूँ नहीं कहता कि कलाकार, हम सब कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन या बड़े बड़े कोई आसमान से नहीं टपके, कला हमारे अंदर मौजूद है, सिर्फ हमको पहचानने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है
एक छोटा सा प्रयास मैं करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आप आए।